तो उस संबंध में हमारी प्रॉपर गश्त की जा रही थी और जो भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह आ रही थी उनमें जो भी हुलिया वगैरह आ रहे थे उस सब के आधार पे हम लोग अपने हमारे जो कांस्टेबल्स हैं और ये बाकी जो भी मुखबिर हैं उनके थ्रू हमारी ये लगातार कोशिश थी कि टीम बना के ये कोशिश थी कि इन लोगों को पकड़ा जाए जल्दी से और इन सब वारदातों पे लगाम लगाई जाए। तो इसी सब क्रम में जो हमारी टीम थी उसने रात में दो संदिग्ध व्यक्तियों को जो मिले उनसे पूछताछ की गई और उनसे में से एक से लगभग 47,000 रुपये बरामद हुए। जो ये दो संदिग्ध लोग थे उनका नाम आनंद शर्मा और विनोद प्रजापति है जो कि ग्वालियर एमपी के रहने वाले हैं। इनसे ये 47,000 रुपये मिले और इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि 28 तारीख को हमने ये एक ऑफिस से अशोकनगर एरिया से चोरी किए थे। फिर उनसे काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हमने 5 अगस्त 2019 को ये पनीपार्क थाना क्षेत्र में सुफल अपार्टमेंट में भी चोरी की थी जहाँ से हम लोगों ने 50,000 रुपये और एक पिस्टल भी चोरी की गई थी। तो इस सब के आधार पे इनसे पूछताछ के आधार पे इन लोगों ने बताया कि हमारे साथ दो लोग और हैं जिन्होंने हमारा इस सब चीज़ों में साथ दिया था जो कि ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। तो इनकी उस इत्तला से बाकी दो लोगों को और गिरफ्तार किए गए जिनका नाम सत्य प्रकाश और पिंटू भदौरिया हैं और ये पिंटू से ही ये पिस्टल जो बरामद की गई है। इन्होंने ये लगभग जयपुर में 3 साल से लगभग अलग अलग इलाकों में इस तरह की वारदात कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अहमदाबाद और ग्वालियर और उसके आसपास शहरों में भी वारदात की हैं। इनमें से जो ये विनोद है या आनंद है ये लगभग कम से कम 10-10 महीने जेल में भी रह के आए हैं। तो ये लोग आते थे ट्रेन से यहाँ पे कहीं रुकते थे रेकी करते थे दिन में और रात में इन सब वारदात को ये अंजाम देते थे। लगभग 2 दर्जन वारदात ये बता रहे हैं। इवन जो 28 तारीख को भी इन्होंने जो अशोकनगर एरिया में चोरी की तो उस बिल्डिंग में और भी कई जगह ताले तोड़े। इनका जो मेन जो टारगेट होता है वो यही होता है कि हम ऑफिस दुकान इस तरह की जगह पे वारदात करें जिससे कि वहाँ पे पैसे या बाकी चीज़ें मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। तो कुल मिला के 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है जिनसे ये 50,000 रुपये और ये पिस्टल जो कि लाइसेंस की पिस्टल है और ये जो नकब जो मतलब जो भी ये औजार है जो यूज करते थे ताला वगैरह तोड़ने के ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। जो ये आनंद है ये इनका मेन हेड है यही इन लोगों को बार बार यहाँ पे लेके आता था। ये खुद अंदर ताला तोड़ के एंटर करता था और एक साथी को अपने बाहर रखता है कोई आ जाए या जाग हो जाए तो उसकी सूचना दे दें। इस तरह की वारदात करने के लिए लोग घूम रहे थे रात में जिस समय हम लोग भी मिले। और कोई आवाज़